का खर्चा निकल जाता है तो कस्टमर के ऊपर होता है, हमारे ऊपर नहीं है ना, आपके ऊपर। मेरी बात ऊपर सब भगवान के ऊपर है। ऊपर वाला आसान डोल दिया तो चार आदमी इकट्ठा कर दिए। यस यस सही डोले तो नहीं इकट्ठा भाई, कभी मुठी चना कभी घनी घना, ये तो कस्टमर के ऊपर होता है। सही बात, सही है। हमारे तो ऊपर दुकानदारी नहीं है। नहीं, नहीं, नहीं। और ये आप काम करना काफी सॉफ्टवेयर इन इंडिया, यहाँ पे गन्ने का रस दादा के द्वारा निकाला जा रहा है। इतनी मेहनत करके हार्ड वर्क करके दादा से बात करेंगे। हाँ मिल्क निकलता है। आप यहाँ पे डेली आते हैं दादा का दूध? डेली आते हैं। गन्ने का स्वभाव ही ऐसा है कि आना ही पड़ता है। क्या करते हैं आप लोग? पढ़ाई करते हैं। चलिए चलिए, हम भी ऐसा। कितने में दुकान खोलते हैं, कितने में शॉप लगाते हैं आप? अरे हमका बारह एक बजे, बारह एक बजे जाते हैं, बारह एक बजे शॉप खोलते हैं। और शाम को कब तक रहते हैं? आधा घंटा और रहेंगे, आठ बजे। आठ बजे तक, बारह बजे लगाते हैं, आठ बजे तक रहते हैं। दादा बहुत और ये काम कब से कर रहे हैं आप गन्ने का रस का? गन्ने का रस तो मैं छियासी से कर रहा हूँ। आप यही बिजनेस कर रहे हैं सन छियासी से? दादा कैसे गिलास देते हैं आप? कितने रुपए गिलास देते हैं आप? बीस रुपए गिलास देते हैं। दादा आप अकेले हैं ये काम कर, आप अकेले करते हैं? कोई आपके साथ भी कोई है? आप अकेले हैं, फैमिली में कोई नहीं आपके है? आज का जो समय है मतलब कि काफी मशीनें आ गई गन्ना पेड़ने के लिए आ गई है, तो आप यार हाथ से काम करते हैं, मशीनें लिए आप? भैया अब तो उम्र चली गई है, अब क्या लगाएंगे। सही बात है, तो बना लेता। जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं आप इनके पास आइए। ये है, ये प्रयागराज नैनी में अमेरिकी नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के जस्ट सामने में लगाते हैं। आप हम नहीं, आप ठेला ये लगाते हैं ना? हाँ। बारह से आठ यहाँ पे हमेशा रहते हैं। जितने भी नैनी गाइस मानते हैं नॉर्मल हर जगह गन्ने का रस मिल जाता है, पर बाबा की मेहनत और लगन सबसे अलग से अलग है। वास्तव में अच्छा लगा। ये अदरक डालते हैं गन्ने के रस में, अदरक भी डालते हैं, नींबू भी है और पुदीना तो डालते ही हैं।